Yes, आर्मी की तैयारी गरीब का बेटा करता है किसान का बेटा करता है मजदूर का बेटा करता है या जोड़ने वाला का बेटा करता है तो उनको धमकी दे देते की तूने मस्ती करी या उल्टा काम करा तेरा मोबाइल जब्त तो कर लेंगे अभी कितने बच्चों का जब्त है नहीं मैडम अब तो नहीं होगा एक था वो वो ले गया जम कर जम कर जम कर चलो अंदर के एकदम आगे। हाँ मैं तो मैं तीन बार को, तीन बार क्वालीफाई हूँ मैडम जी देखो ना आप ये, ये सौ नंबर का फिजिकल है ये ये देख रहे हैं आप देख रहे हैं सर आप तीन बार क्वालीफाई सर जिससे हौलदार क्वालिफाई हूँ मैं आ रही रही क्या क्या? ये लास्ट ईयर की मार्चशीट मेरी आठ सौ में से सात सौ बीस नंबर

उस फौजी फैक्ट्री में जिसमें यह कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है वो फौजी बन के ही निकलता है और आपके सर तो वीडियो इतने आते हैं मतलब हर दूसरे तीसरे दिन में एक कोई बच्चा होता है जिसका सलेक्शन हुआ होता है कैसे कि आप किसी बच्चे को एकदम फौजी बनाकर तैयार करते हैं ऐसे कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं ये सब पूछना है मुझे हाँ, दिल्कुल, तो दिल्कुल। तो मुझे ये बताइए की एक साल में कितने बच्चों का पहले सर आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद दीदी किस्सा भी आपको मैं बताती हूँ जी खुद आर्मी में जाना चाहती थी बस मैं मेडिकल अनफिट हूँ तो मैं जब भी आपका चैनल देखती हूँ जिनके जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है मुझे ये तो नहीं पता कि वो बच्चे कितना होता है। लेकिन मैं बहुत खुश हो जाती हूं। wow, you, एक एक पता है जब हम अपने शरीर पर वर्दी ना मतलब पूरी दुनिया मतलब जन्नत मिल जाती है अपन को ये चीज होती है उसको, उसको पहनना मतलब सौभाग्य उससे बड़ा कुछ भी नहीं बहुत बड़े सौभाग्य की बात है अपने आप में कितने बच्चे जैसे मैम मैं बता रहा हूँ आपको सपोज सौ बंदे भी अपने पास हैं और मैं बोलना चाहूँगा मतलब नब्बे परसेंट बच्चे अपने यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ बच्चे मैम थोड़ा सा जाता तो 100%, 100%, 100 हो जाता है तो हो नहीं पाते लेकिन नब्बे परसेंट हंड्रेड वन परसेंट बच्चे यहाँ पर हो जाता है बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कंपनियाँ इतना बड़ा दावा नहीं करती वो फिफ्टी बोल सकती है फोर्टी बोलती हैं अब नाइनटी परसेंट हाँ हाँ नब्बे मैम जैसे रिजल्ट भी आपने देखे हैं और कोई भी बंदा यहाँ पर आता है ना मैडम एकदम खुश हो जाता है कि हाँ मेरा हो जाएगा और हमारा भी लक्ष्य ये है मैडम जी बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं और आप भी जानते हो आर्मी की तैयारी एक गरीब का बेटा करता है किसान का बेटा करता है मजदूर का बेटा करता है या पंच जुड़ने वाला का बेटा करता है और हमारा लक्ष्य है कि यार इनके माता पिता ने एक उम्मीद से यहाँ पर पहुँचाया है क्यों ना यार इनका विश्वास जीते और दिन रात इनमें इनमें कर दो तो अपना भी नाम होगा बेटा का नाम भी होगा माता पिता का नाम भी रोशन होगा

इतना मतलब एक होता है ना कोऑर्डिनेशन बनाना बच्चों से आपका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बस वही चीज़ होती है मैडम अभी... बच्चे इस रूम के के अंदर आ तो आ रहे रहे तो मुस्कुराते हुए वो भले से निकलने के बाद क्या, कितना भी जो भी सोचते हो पर अंदर आ रहे हैं तो मुस्कुराते हुए आ रहे आपके नेचर की वजह से नहीं नहीं मैडम जी मेरा तो लक्ष्य मैडम ये है कि कोई भी माता पिता ने यहाँ पर बच्चे को पहुंचा है बस यहाँ से सक्सेस होके जाए ठीक है आज क्रोध कर लेते हैं अपन और कल वापस गले लगा लेंगे बेटा देखो आप समझो बात को बोले ठीक है गुरु जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं फिर बच्चा मेहनत करता है देखा था जी मेरे ख्याल से पुराना है एक डेढ़ साल पुराना हाँ। एक बच्चा था जिसने शायद तम्बाकू या कुछ खाया था और तकी के नीचे आ। ऐसे... वो हुआ क्या मैडम जी वो उसने बोला बच्चे मुझे बोला स्टाफ वाले बोलो गुरुदेव उसने जर्दा खाया तो मैं उसके पास गया बेटा यार नहीं खाना चाहिए बोले सर कसम से माँ की कसम ये कसम वो कसम मैंने नहीं खाया तो फिर मैंने खोज करी भैया तो जो उसका बेड रहता दीदी उसके बेड के नीचे वो वही खा रहा ना उसके ऊपर थक रहा है तो मैंने अलग कर रहा हूँ उनको इतनी गंदगी रो बाप रहे तो तैयारी करने के लिए आया यहाँ पर क्या करने के लिए आया तो उसको कुछ नहीं करा बाहर जाके मुर्गा बनाया उसको और बात चलता रहता है थोड़ा बहुत जरूरी मैडम जी देखो ऐसा है कि कोई माता पिता अपन को इतनी दूर पहुँचा रहा है तो थोड़ा बहुत ज़रूरी है चीज़ और क्रोध वही इंसान करता है जो सामने वाले को अपना समझता है अच्छा बच्चों का फ़ोन जमा हो जाता है क्या रात में नहीं नहीं होता है बिल्कुल खुला कोई दिक्कत नहीं फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं ऐसे चेक करते हैं क्या आप जा जाके कि कोई बात तो नहीं कर रहा नहीं नहीं देखो जरूरी है बात करना भी जरूरी है अब अब उम्र है जरूरी है माता पिता से बात कर रहे हैं और देखो इतना माता पिता से नहीं और भी करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैडम बच्चों को इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाता है है ना अब थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है है ना दोस्त यारी बात करना जरूरी है ये चीज़ होती है मोबाइल बिल्कुल जब्त तो नहीं करते मैडम जी मोबाइल जब्त तो करते हैं जब कोई बंदा एडवांस चल रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो उनको धमकी दे देते हैं कि तूने मस्ती करी या उल्टा काम करा तेरा मोबाइल जब्त तो कर लेंगे अभी कितने बच्चों का जब्त है नहीं मैडम अब तो नहीं होगा अभी नहीं एक। नहीं नहीं एक था वो वो ले गया बिहार अभी आया था ना वो लड़का बोल रहा था बोलो मिल गया मेरा बिहार का था ना वो तो अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पे आ, में अभी अच्छे बच्चे हैं है अच्छे है बच्चे <laughs> नहीं मतलब संख्या बच्चे क्या बता बताइए थोड़ा सैकड़ों प्लस है चार ट्रेनर है मैडम हम सब चलता है ग्यारह हॉस्टल है सब चलता है अच्छा मैंने देखा आपके कई वीडियो आप रात में औचक निरीक्षण करते हैं जैसे अधिकारी लोग करते हैं वैसे आप जरूरी मैडम जरूरी है काम का कि कौन क्या कर रहा है सोया नहीं सोया कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ये तो गलत काम मतलब ग्रुप बनाकर मैडम जी अभी चलता है ना ये आई पी एल वाई पी एल में सट्टा उट्टा चलता है लोगों का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि माता पिता तो यहाँ पर पढ़ने के लिए रुपये जमा करते हैं बच्चे उधर जुआ में लगा हैं तो ये चीज़ थोड़ी होती है और ये चीज़ के लिए इनको ये यू टी वी पर आते हैं ना एंड सन एड आते हैं कि इसमें इतना रुपया लगाओ ये खेलो वो खेलो बंद करना चाहिए अब बच्चे नादान होते हैं मैडम जी डाल देते पैसे फिर क्या करेंगे बच्चे ये चीज मतलब पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता आप ये कहना चाहिए हाँ नहीं तो मेहनत करना पड़ता है मैडम जी यहाँ पर चार हजार रुपए मैडम जी बहुत मेहनत लगता है कमाने में चार हजार बे जब माता पिता पहुंचाते ना कभी बात करते हैं सर इस बार नहीं हो पाएगा सर अगले महीने ले लेना तो मैं जानता हूं क्या चीज़ होती है क्योंकि मैं भी खुद किसान का बेटा हूं मैं भी यहां पर पढ़ा हूं तो चार हजार कैसे अरंज करके माता पिता देते हैं तो वो चीज़ होती है मैडम जी अच्छा कभी कोई पिता ऐसे ऐसे आपको समझाता है तो तो आप आप सर आप तो कई बच्चों का ऐसे फ्री, जी, फ्री अभी हम जैसे कोई भी बच्चा आता है जैसे अब सपोज मैंने उसका वीडियो बना लिया कि हमारे यहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग करवाते तो वो बताने के लिए लोगों को कि आप आ सकते हो तो कुछ लोग के अपोजिट लेते हैं उसको कि तुमने इसको क्यों कर रहे हो तो क्यों दिखा रहे हो दिखा। अरे भाई साहब लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग होती है यहाँ पर मैडम लड़की को एकदम फ्री में ट्रेनिंग करवाते है। हैं जैसे गरीब लोग गरीब बच्चा आया कोई भी जैसे तो नहीं हो पा क्यों फ्री है मैडम फ्री का मतलब ये होता है जिसे बहुत लोग क्या है कि मंदबुद्धि के लोग रहते हैं लड़कियों को बहुत समझते हैं कि यार क्यों इसमें पर, पैसे रुपए बर्बाद करें और ये तो पराय घर की दौलत होती ये होती है, चले जाएगी तो हमारा हमारा मतलब ये है कि यार तुम ये सोचते हो तो हम सोचते हैं कि यार हमारी बहन है इनको यहाँ पर पहुँचा हम फ्री में ट्रेनिंग करवाएंगे और इसके सपनों को साकार करवाएंगे ये हमारा लक्ष्य है कब से चल रहा है ये मैडम दो हज़ार सोलह

बिहार पुलिस वाले आते हैं बहुत सारे लोग जम्प की तैयारी करने के लिए आते हैं शॉर्टपुट की तैयारी करने के लिए आते हैं सीपीओ की तैयारी करने के लिए आते हैं तो सभी लोग हाँ लिए लिए। लेकिन सब पर ज्यादा सबसे ज्यादा देखते हैं तो इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी, आर्मी। इसीलिए हाँ, हर जगह के बच्चे अलग अलग होते हैं सबका तरीका अलग होता है सब अलग अलग प्रांत से बच्चे आते हैं मैनेजमेंट में कभी दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं आती आती कोई कोई मैडम बच्चा क्या कि मैडम दो चार दिन देता है फिर माहौल में घुल मिल जाता है और सब हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होती उसको हम लोग अभी हॉस्टल में भी चलेंगे बिल्कुल बिल्कुल जहाँ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं मैडम लड़कों का तो ठीक है मान लेते हैं लड़कियां जो होती हैं थोड़ी इमोशनल तो होती हैं घर से निकलने के बाद उनको थोड़ा याद आता है घर परिवार का हाँ। उसको कैसे मैं मोटिवेट करते हैं उनको जैसे बताया ना जैसे अभी एक लड़की आई थी हम उसको बोलते यार बेटा यार वो वो तो लड़की इतनी दूर से आई थी माता पिता ने पूछाया उसको एक उम्मीद से तो यार वो फौजी बन गए तो आप क्यों नहीं बन पाएंगे तुम भी बनोगे और बड़े बड़े मोटिवेट कर दे कुल मिला बच्चों को हमेशा भी पॉजिटिव सोच देते हैं अच्छा परिवार वालों को समझाना पड़ता होगा कई ग्रामीण परिवेश के जो माता पिता हैं आते हैं हम साथ में आते हैं वो भी तो उनको कैसे समझाते हैं आप जैसे वो उनको एक डर होता है लड़कियाँ कहते हैं लड़कियाँ हमारे है? यहाँ हमारे यहाँ सिस्टम क्या जैसे होश्टाल, होश्टाल है जैसे लड़कियाँ एक हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल में किसी को भी अलाउ नहीं केवल लड़की रहेगी तो लड़की रहेगी खाना पीना सब वही करती है वार्डन है वहाँ पर है ना लेकिन किसी भी लड़के की वहाँ पर एंट्री नहीं होती है और जैसे ग्राउंड का टाइम होगा तो एक लड़की सभी को उठा देगी और ग्राट ग्राउंड लेके जाएगी मतलब बहुत नॉर्मल तरीके व्यवस्था तरीके से जैसे कोई मूल ही नहीं उठा सकता कि यार यहाँ पर क्या है समझ रहा बात को मतलब और मैं तो बहुत बड़ी खुश हूँ मतलब बहुत ज़्यादा कि यार यहाँ पर लड़कियाँ इतनी सेफ रह रही है और खुश होकर रह रही है कोई दिक्कत नहीं घूमना फिरना बिल्कुल बंद कहीं भी जाना ना आना बस ग्राउंड ग्राउंड से यहाँ और कोचिंग अपना कहीं बाहर नहीं जाने नहीं नहीं मतलब ही नहीं ना यहाँ पर जाने के लिए थोड़ी है यहाँ पर तैयारी करने के लिए ही है ना कल मतलब नहीं मोबाइल फ़ोन है मैडम जी कल फोन ही घुमा दिया कि यार मैं जा रही हूँ ये हो जाए मतलब क्या फिर कल लोग नाम रखे यार वो तो फ्री में काय करवा रहा है वो तो वहाँ तो ये सब मामला चल रहा है तो इसलिए मैडम जी कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है सीमा जिसने पार कर दी मतलब समझ जाओ इंसान गया अभी कुछ दिन पहले आप कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे तो मैम चलता रहता लेकिन आज तक वो, वो जॉब नहीं देना मैडम जी ये तो क्या है मैम व्यू पाने का एक सिस्टम है इनका है ना इंदौर कोई इंदौर फिजिकल एकेडमी डाल देगा इंदौर फिजिकल अकेेडमी सच्चाई जानी है अरे भाई साहब उन गरीबों से बहुत कुछ... अच्छा व्यूज आता है लेकिन है। <laughs> ऐसा ऐसा कुछ कुछ जान हम लोग भी ही टाइटल बनाएंगे बिल्कुल <laughs> कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं <laughs> है कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन क्या है कि बस उनका यूट्यूब चलाना है उनको फिर बाद में गाली खाना है लेकिन आज तक हमने रिप्लाई नहीं दिया आज तक और मैं यूट्यूब फैमिली हमारे इतने एकदम जुड़े हुए हैं ऐसे है कि यार हाथी चले बाजार तो कुत्ते तो भुगतते हैं भुकने तो कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता से मतलब एक बात बताती बताते मैं आपको जी। आपका ये जो एकेडमी है जी। ये मैक्सिमम युवाओं का सपना है जो यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं उनका नहीं जो नहीं पहुँच पा रहे हैं वो भी वो जो हमारे साथ हमारी टीम के आए थे उन्होंने आपको देख के यकीन नहीं किया कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं हाँ। ऐसा, ऐसा ऐसा ये कह सकते हैं कि ये आर्मी फैक्ट्री आते हैं ऐसा काम किया इतना नाम बनाइए की बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जैसे मैम हर दिन में दो चार लोग

तो थोड़ा बहुत उनको मैंने उनका में भैया आप थोड़ा खाना पीना खाना है डाइट के उनको थोड़ा सा हिसाब मैंने दिया रुपये वगैरह और ये चीज़ें थी मिलने के लिए आया था वो तो मैं मिलने के लिए आते हैं देखो कोई भी काम मैं तो आपको आते से पहचान गया वही तो है ना इतना अच्छा लगा हम अच्छा करते हैं ना मैडम उसको लोग जानते हैं और क्या है कि विरोध तो होता है देखो लोग सीता मैया को गाली बकते हैं राम भगवान को गाली बकते हैं है ना तो क्या है तो वो तो मंदबुद्धि के लोग रहते हैं ना समझ वाले है ना उनको ज्ञान नहीं होता है बस उनको यह फर्क कि क्या है पड़ा के सामने वाला नहीं बस उनका मतलब है कि बस। ये रहता। लेकिन है, कोई दिक्कत नहीं मैडम चलता है ऐसा फिर आदत पड़ेगी अब तो क्या अब तो सर आदत पड़ेगी अपन को हाँ डालते रहो कोई दिक्कत वाली अपन गलत ही नहीं है ना यार अपन गलत पुलिस आएगी ले जाएगी बात समझ रही आपको अपन गलत चलता है मैडम वो छोड़ो कहीं नहीं है <laughs> वो तो मतलब कई सालों की मेहनत है छह सात आठ सालों की मेहनत अपनी पर को भरोसा है। क्योंकि अपन है। है गलत ही नहीं है तो कौन अपन को गलत बताएगा है ना सेकंड बात कुछ कभी गलत ही नहीं हो सकता अपने साथ में तीन बार तीन बार क्वालिफाई हूँ मैडम जी देखो ना आप ये जिससे आप जानते होंगे हाँ ना ये, ये सौ नंबर का दिखा दिया हाँ ये सौ नंबर का फिजिकल है ये ये देख रहे हैं आप हुँ। देख रहे हैं सर आप तीन बार क्वालीफाई हों जिससे हौलदार क्वालीफाई हूँ मैं फिर वो पाँच दिन का इंटरव्यू होता है सर उससे में बाहर हो गया हूँ मैंने बी बहुत लोग ताराज़ की वो खोलो ना यार विनोद इधर आओ जल्दी आओ दौड़ लगा के आपने कागज़ बताओ आज मीडिया वाले आए हैं थोड़ा कागज बताओ ना लोग बोलते हैं कि ये तो फर्जी है इनके पास कोई डिग्री नहीं है क्या बात है हाँ आज आज छानदीन करके जाएंगे हम हाँ वही वो वही वो ताला खोलो और अपने बीपीएड वगैरह की डिग्री बताओ हाँ वो तो आज पहली बार पे। जीवन पहली बार बता रहा हूँ लोग बोलते हैं कि यार ये देखो मैंने तीन बार क्वालिफा मैडम जी ये क्या है जैसे कौन आर्मी है? ये सौ नंबर के वो साठ नंबर का रनिंग होती है और चालीस के, के आपके भीम होते हैं बेटा उसमें रखे ना कागज़ में उसमें आप कितने साल के थे जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो मैम वो सत्रह ये बताना सभी तो मेरे को विनोद घबरा रहा था यार ये निकालने में सत्रह अठारह साल का होगा मैम मैं एम एस सी में ही हूँ एम एस सी करी हूँ अच्छा हाँ ये देखो ये ये मैडम आपने देखे कभी करा क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं आप बताओ ना क्या बोलते हैं इसको सर तो मेरा तो नहीं, नहीं 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 इसको पंजीयन बोलते हैं ना क्या बोलते हैं जो अपन अकेडमी वगैरह खोलते हैं इंदौर फिजिकल अकेडमी के नाम से ना देख रहे हैं आप जब पंजीकरण कराते हैं मैडम सॉरी ये लाइसेंस मेरा ये जी है ना जी भरते टी मैडम है ना तो एकेडमी का नहीं पूछ रही हूँ मैं नहीं वो डिग्री बता रहा बताना ना आपको ये सरकार का आपका हाँ। डिग्री बताना जल्दी बता भाई एक बात देखिए सर जो है अपना सारा कागजा दे रहे हाँ जरूरी मैडम जी है ना जी वगैरह सब दिखा दे रहे सब अरे जरूरी है लोग बोलते है जीएसटी नहीं बढ़ते अरे विनोद तो पकड़ यार ये क्या है बोलने वाले तो कुछ भी कहते हैं भाई आप देखिए कि जीएसटी वगैरह तो सब दिखा रहे हैं कि जो आपसे जो लोग बोलते हैं वो बोलना बंद करें हाँ वही वही चीज तारे ले दो डिग्री है अपने पास बीपीएड जैसे बोलते हैं ना कोई भी काम जैसे आप मास्टर बन रहे हैं तो उसके लिए बीएड चाहिए और जैसे फिजिकल के लिए बीपीएड चाहिए हाँ मार्कशीट का मेरे मां उसमें है मेरी उसमें भईयो हटो मेरी मेरी फाइल कहां है ला दो विनोद घबरा गया बिल्कुल ऐसे घबराता नहीं बेटा जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो परिवार का प्रेशर नहीं था कि ज्वाइन कर लो ऐसा नहीं कर मैं बाहर हुआ ना मैं पाँच दिन के इंटरव्यू से बाहर हुआ हूं ये कौन से सेम की है ये लो ये लास्ट ईयर की मार्कशीट मेरी आठ सौ में से सात सौ बीस नंबर देख रहे हैं आप देख रहे हैं सर है ना चार सेम होते हैं मैडम एक सेम दो सेम तीसरा सेम और ये चौथा सेम सब में पास 800 पा, में से 589 800 में से 649 गजब 800 में से 662 और ये लास्ट सेम की है 800 में से 720 देख लो साथियों आप भी पहली बार बता रहा हूँ बहुत लोग बोलते हैं उनके पास तो डिग्री नहीं है डिग्री नहीं है वो तो क्या आप आए तो मैं बता दिया ये चीजें है आधे लोगों का तो मुंह बंद हो जाना चाहिए <laughs> ठीक है चलता है थोड़ा बहुत भी पाल ले वो भी तो फिर ये एकेडमी का थीम कैसे आया आइडिया कैसे आया जैसे मैम मैं सक्सेस हो गया फिर अपना सोचा कि यार बहुत स्ट्रगल कर रहा है यार हो नहीं पाया फिर अपने आपको सोचा यार कि यार मैं फौजी नहीं बन पाया तो क्या हुआ हम लाखों फौजी बनाएंगे फिर आज उसी रास्ता पर चल रहे हैं बहुत इसका नाम फौजी फौजी फैक्ट्री।, फैक्ट्री फैक्ट्री बच्चों ने दिया सर ये मैडम अच्छा हाँ बच्चे जब सक्सेस होते हैं ना मैडम तो बहुत सारे ग्रुप में आते हैं तो बोले कि दोस्तों आज हम सक्सेस हुए बहुत बड़ी बात है और इसीलिए इंदौर फिजिकल एकेडमी को फौजी फैक्ट्री कहा जाता है बच्चे ने नाम दिया ये। जब की में तो तो नीचे है अरे बहुत दिखा हुआ दूसरों क्या बनाएगा ये चीज़ और अभी भी मैडम जी अपन उस चीज में परफेक्ट है जैसे फिजिकल की तैयारी करवा रहे थे फिजिकल अपना सौ नंबर का फिजिकल है सौ नंबर से ऊपर फिजिकल ही नहीं होता है अपन हाइस्ट मतलब ऐसा दौड़ते थे मैडम बंदूक की गोली ऐसे बहुत दौड़ते थे अच्छा बच्चे कभी कुछ बच्चे शारीरिक रूप से उतने मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो ट्रेनिंग सब कुछ उनको कैसे डाइट वगैरह मैडम हाँ मेन चीज़ होती है जैसे आप कोई फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मेन चीज़ होती है डाइट खान पीन कभी खान पीन आपका सही साठ है बोलते हैं ना मैडम इनपुट दोगे तो आउटपुट निकलेगा है ना तो वही चीज़ होती है आप खाओगे पियोगे अच्छे दौड़ोगे तभी तो एनर्जी आएगी शरीर में फिर आप वर्कआउट करोगे तो जो भी कोई बंदा कमज़ोर बच्चा है तो उसको डाइट बता दी जाती है उसके हिसाब से बच्चा मेहनत करता है जैसे कोई अच्छा बच्चा है वो वस राउंड लगा रहा है कोई नॉर्मल बच्चा है तो वो चार राउंड लगाएगा फिर डाइट अच्छे से लेगा तो वो भी धीरे धीरे रिकवर करेगा जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं कोई बच्चा किताब अच्छे से पढ़ लेता है कोई पढ़ नहीं पाता वो मेहनत करेगा तो उससे आगे भी निकल जाएगा वो तो निकलता ही है तो ये चीज़ होती है मैडम जैसे मेरा खुद का एन सी सी ऐसी सर्टिफिकेट होल्डर में मैडम एन सी सी वाले को इंडियन आर्मी जी डी में पेपर नहीं देना होता है पता आपको हाँ, मुझे पता है तभी तो मैं बता रही हूँ तो इस बार एनसीसी वाले जैसे बनारस का रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा एनसीसी वालों वाले सिलेक्शन हो गया और पचास एक सीट मिली बस जिसके बाद एनसीसी एनसीसी जो है वो फिजिकल अकेडमी पे थोड़ा असर डाल रही है नहीं नहीं अच्छा ना वाले बच्चे ज्यादा आ जा रहे हैं इस वजह से सीट में दिक्कत नहीं 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 हमारा काम तो फिजिकल का है एनसीसी हो या कुछ भी हो मेहनत दौड़ना तो पड़ेगा आपको नहीं तो एनसीसी वालों को तो कराया भी जाता है राइफल फायरिंग हो गया या फिजिकल ट्रेनिंग हो गया मेरे यहाँ पर तोड़ की जरूरत पड़ती है हम उस अच्छा घोड़ा बना देते हैं अच्छा हाँ मैडम ये देखो एन में क्या है कि मैडम जी इनका वीकेंड चलता है मिशन चलता है और सेकेंड बात ट्रेनिंग चलती है कई वहाँ जा रहे हैं कई वहाँ जा रहे हैं और हमारा काम क्या होता है वो गोला बस उसका चक्कर लगाना उसका परफेक्ट बनाना चार चालीस मारना और इनका काम क्या है कि पूरा अनुभव देना किस तरह साफ सुथरा रहना है कैसे सुरक्षा करना है कैसे सामने वाला का देखभाल करना है जिससे कहीं फंस गए हो तो वहां से कैसे बचना ये कुछ सिखाया जाता है और हमारा काम क्या है दौड़ 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 बस दोड़, दोड़। हम लोगों को तो राइफल ट्रेनिंग वगैरह हाँ, मैडम आपकी बात ये क्या वाले को तो पूरी सेवा सुरक्षा संस्कार होता है हुँ, हुँ. है ना वो चीज रहती है और हमारे यहाँ क्या सब शारीरिक प्रशिक्षण होता है पूरा बनाती है लड़कियाँ बनाता है ना मैडम सब चलता है धीरे धीरे तो कैसे समझाते हैं कहीं नहीं बेटा चलो ठीक है चलो ठीक है नहीं तो फिर डोज देने पड़ते हो तो <laughs> लड़कियों का आपने कभी दिखाया नहीं नहीं लड़कियों को नहीं मारते मैडम संविधान को उल्लंघन नहीं कर सकते सेकंड बात ये भाई है 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 कैमरा कैमरा मैन सुनो ठीक हाँ, इसको मैं ठोक तो <laughs> इसको <laughs> मैं ठोक ठोक दूंगा <दुमा>, दूंगा तो तो इसको इसको <laughs> नहीं 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 <laughs> ये लड़का है मैडम जैसे सेट हो जाएगा अपन लड़कियों का मैडम भरोसा नहीं क्या होता क्या बोलते हैं हमारे इंग्लिश में बोलते हैं लड़कियों की चोटी है ना चोटी मती रहती कभी इधर घूम जाती कभी इधर घूम जाती कभी ऊपर कभी नीचे तो डर लगता है लड़कियों को नहीं

घर पे फोन लगाऊंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा तेरे पापा से बोल दूंगा बोले सर मत लगाना सर हाथ जोड़ो सर आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी दौड़ूंगी ये करूंगी बिल्कुल ये लेकिन कभी भी मैडम हाथ नहीं उठा सकते हैं लड़कियों नहीं नहीं अच्छा लड़कों को सर आप बहुत ठोकना पड़ता है मैडम वो तो क्या है तेरा जरूरी है डिफेंस में तो मैडम डिफेंस में तो ठोक चलती चलती है क्योंकि मैडम मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई समझ गया तो ठीक है और कर दो करम कोई दिक्कत वाली बात नहीं माता पिता यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं तो मेरा लक्ष्य है कि तुम सक्सेस होके जाओ और माता पिता कहना है कि सर मानस आपका हड्डी हमारी लेकिन सिलेक्शन हमारा होना चाहिए नहीं सर आपके खैर नहीं है मैं कहा ठीक है ले लो आप इस बार बच्चे सक्सेस रहते हैं ज़रूरी मैडम जी अच्छा हम लोग का ऐसा था कि जो हम लोग को राइफल ऐसे ऊपर करके ग्राउंड दौड़ाते थे जो लड़कियां थक जाती थी तो उनको कहते थे तुम घर जाओ चूल्हा चौका संभालो यही तो काम ऑटोमेटिक आ जाती थी वो बोले मैडम ऐसा बोल रही यार ऐसे करना पड़ेगा बोलो जैसा करवाओ वैसा करवाओ फिर वो कल समझ जाती होगी है ना तो कल गलती नहीं करेगी वो यार मैडम सर तो ऐसा बोल रहे हैं यार ये ऐसे हुआ क्या फिलहाल में लग जाती फट फर्स नहीं मैं दौड़ूंगी अच्छा कितना ग्राफ बढ़ा है जैसे आपने जब शुरू किया होगा तब तो लड़कियों का आप ऐसे हॉस्टल वगैरह लड़कियों, से लड़कियों का सिलेक्शन नहीं कर लड़कियों का कब से शुरू हुआ लड़कियों की ट्रेनिंग कब से शुरू हो गई चार पाँच साल तो हो गए हैं चार ग्राफ बढ़ रहा है हाँ बढ़ रहा ना मैडम अच्छी मेहनत कर रही है और लड़कियां भी आ रही है सबसे पहले बार जब आपने गर्ल्स ट्रेनिंग शुरू की थी तब कितनी लड़कियां थी खूब से खूब तीन से चार लड़कियां तीन लड़कियां हाँ तो तीन से चार मैडम नहीं वो, जब स्टार्ट करा जब तो दो तीन लड़के थे बस मैडम दो लड़के थे बस नहीं नहीं जब जैसे लड़कों का हाँ। ट्रेनिंग हो रहा था यूट्यूब पे आप काफी फेमस थे हाँ। एक बहुत बड़ा नाम बन गया था एक ब्रांड बन गया था फौजी फैक्ट्री ब्रांड तो अभी भी मैडम नहीं मतलब मैं वो तो है ही वो तो है इसमें कोई दो राय नहीं मतलब मैं मेरी बात समझिए जैसे आपका एक नाम है फौजी फैक्ट्री एक ब्रांड है जब आपने बोला की हम लड़कियों को भी ट्रेनिंग देंगे तो फिर कितनी लड़कियां भरोसा करके आई होंगी वो वो ग्राफ क्या था जब लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू दो से तीन लड़कियाँ बस अच्छा? हाँ फिर धीरे धीरे क्या मैडम अभी, सक... अभी तो से है। अच्छा दो हाँ। का हो गया था मैडम एक का नहीं हुआ था फिर उनका वीडियो डाला जिन दो लड़का का हाँ डाला ना उनका फिर वीडियो देख कर आते हैं अपने यहाँ पर कुछ भी काम होता है ना मैडम जैसे हॉस्टल भी चेक होती है खाना बन रहा है उसका वीडियो डालते हैं जैसे आप भी आए तो आपका वीडियो डालें कि मैडम यहाँ पर आई थी और हमारा इंटरव्यू लिया ये चीज़ होती है हर चीज़ का वीडियो एकदम क्लियर तरीके से अब उनको देख कर की तरह। हाँ मैडम बिल्कुल एक सेकंड बाद हमारे यहाँ मोबाइल जब्त तो नहीं होता है है ना जो चल रहा है अपने पापा को बताओ कि ये रूम है ये हॉस्टल है ये खाना बताओ उसके बाद में एडमिशन कराओ कोई ज़बरदस्ती नहीं है और फिर वो थोड़ा कि बच्चों को तो थोड़ा तो नहीं देना जरूरी है लड़कों कोई को। पिता आपसे बोलता है क्या लड़कों का लड़कों के जो पिता हो वो आके आपसे बोलते हैं क्या मेरे बेटे को मारना नहीं 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 बोलते हैं नहीं नहीं उनका भी लक्ष्य है कि सर हमने आपको इतनी दूर पहुँचाया है दो हजार इक्कीस सौ किलोमीटर बच्चे अच्छा अभी कहाँ कहाँ से बच्चे आप किसी भी स्टेट का नाम ले लो वहीं के बच्चे मिलेंगे हर स्टेट के हाँ परिचय करवा देंगे कोई भारत के हर कोने हाँ जम्मू कश्मीर से हैं आपके नागालैंड कोहिमा की लड़की है अपने यहाँ पर लड़की है नागालैंड की लड़की हाँ लड़की है ना मैडम हर स्टेट की लड़की इतने है दूर से गार्जियन आने आने दे रहे हैं हाँ मैडम वो सब मतलब देखते हैं नेचर सपना है मतलब ये हाँ, एक सपना है जो सपना भी है और हमारा भी अवभाव देखते हैं वो सर किस तरह सर का व्यवहार है क्या है क्या नहीं है हर चीज तो जी इंदौर से कई सौ किलोमीटर दूर एक पिता अपनी बच्ची को अपने अपने कलेजे से दूर रहने की इजाजत दे रहा है इसका मैडम इसलिए इसीलिए उनको इस तरह सेफ रखा जाता है

अधिकार नहीं किसी लड़की को टच कर दे और स्टाफ में भी ऐसा मेरे अलावा किसी कोई भी लड़का किसी लड़के को तो नहीं बोल सकता है अरे तो तो इस नहीं सर, मैंने कई ये तो बच्चे बच्चे नहीं, नहीं, तो आजकल बहुत हिटलर हुए ये बात क्यों कह रहे हैं जैसे हम लोग पहले हम लोग ग्रामीण परिवेश से निकले भी तो पहले क्या होता था जो हमारे टीचर होते थे पुराने जमाने के वो हरी कैन रखते थे और उससे मारते थे तो जो टीचर जितना मारता था गार्जियन उसको ज्यादा इज्जत देते थे मास्टर साहब बहुत मारते हैं तो बहुत अच्छे टीचर है तो वैसे ही आपके साथ है माता पिता जो है देखते है की वही चीज है बोले कि सर हम आप तो आप, हम आपके वीडियो देखकर आए हैं और बच्चों को आपके सुप्रत कर दिया हमने बस आप आपसे हड्डी हाँ, हमारी मांस आपका और मेरा छोरा फौजी बनना चाहिए मैंने ठीक है सर हड्डी नहीं टूटना चाहिए मांस पे कितना भी टॉर्चर हो हाँ नहीं ऐसा भी नहीं मारते मैडम वो तो क्या है लेकिन बच्चों को मैडम जी प्रॉपर लाइनिंग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे ने जब सीमा को उल्लंघन कर दिया ना तो फिर लपड़ा हो जाएगा बच्चा फिर क्या रास्ता डगमगा जाएगा इसलिए उसको दायरे में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो सुबह एक बार ट्रेनिंग होती है शाम को हाँ बीच भी में क्लास चलती है आठ बजे से बजे तक वो कौन पढ़ाता है अलग टीचर रखे ना अलग से टीचर रखे हैं अच्छी क्लास की व्यवस्था क्योंकि इस बार टी के अंतर्गत पहले रिटर्न होगा तो अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड है पूरा सिस्टम अभी चल रही थी ना टाइपिंग वो सर कर रहे थे टाइपिंग अच्छा जब कोई सिस्टम बदलता है सरकार की तरफ से तो उसको एडजस्ट करने में आप लोगों को टाइम लगता होगा बहुत ज्यादा समय लगता है लेकिन क्या है कि करना पड़ता है मालिक वही है जो वो कराए जो कराए वो करना पड़ता है तो मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगी एक बार वो दिखाइए जैसे इतने सारे बच्चे सबका ये, सम... ये देख जो आप ये कटरा का बंदा है चलो ये मैंने वीडियो लगाया नहीं ये रोदी है ये रोदी है मैडम देखो आप बच्चे रोते हैं वही तो हाँ नहीं मैं ये कौन गार्जियन है हाँ अभी आए हैं ये बंदर रो दिया मैडम देखो उसको ये लड़के वहाँ आंसू देखना रो दिया वो लड़का रो दिया हाँ आया छोड़ने के लिए उसको पापा मम्मी उसके

दरअसल फैक्ट्री एक मुहिम है जो आपको सैकड़ों की संख्या में बच्चे नजर आ रहे हैं उन सभी का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है अब देखिए भगवान भी हम सभी को बनाए लेकिन सारे सारे इंसान एक जैसे नहीं बन पाते कोई शारीरिक रूप से कोई दिक्कत आ जाती है किसी को आँख से दिक्कत हो जाती है, है। कोई पूरा बनावट सही नहीं से कम होता है हाँ। किसी का सिक्स बाई सिक्स नहीं होता है किसी के दांत वगैरह ज़्यादा टूटे हुए होते हैं किसी का जैसे बचपन में होते हैं तो एल्बो वगैरह ब्रेक हो जाता है कोनिया वगैरह टूट जाती है तो ये चीज़ होती है दिव्यांग और विकलांग बच्चे हाँ, भी पैदा होते हैं पैदा होते हैं और मैडम जी फौजी बनना बहुत बड़ी बात है है ना कहना बहुत सरल है कि फौजी लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कहते हैं कि फौजी बनना आसान नहीं होता जजबातों को लगा रगों में लोहा भरना पड़ता है इतना स्ट्रगल करना पड़ता है मैडम जैसे सोलह सो मीटर दौड़ में तीन बंदे दौड़ते हैं तीन बंदे दौड़ने के बाद में केवल दस बंदों का सिलेक्शन होता है सोलह सो में नहीं सोलह सौ दौड़ होती है तीन सौ बंदों एक साथ सा, में हाँ तीन सौ एक साथ में दौड़ते हैं जिसमें से दस बंदे पास होते हैं वो दस बंदों में से कोई बंदा हाइट से बाहर हो जाता है कोई डॉक्यूमेंट से बाहर हो जाता है कोई आग से बाहर हो जाता है लास्ट स्टेज पर केवल तीन बंदों का सिलेक्शन होता है तीन से तीन।, तीन बंदों का सिलेक्शन होता है या आप किसी से पूछ लेना बहुत और पत्थर दिल होता है मैडम जो फौज की तैयारी करता है घर परिवार छोड़ना पड़ता है है ना और लक्ष्य उनका एक रहता है कि मेरा हो या ना रहूँ मेरा भारत देश रहना चाहिए देखो ना पूरा परिवार ही छोड़ देते हैं है ना पूरा मतलब तो समझ रहे आप कोई भी नहीं रहता बस एक के सैंतालीस हाथ में रहती है बस बच्चों के हाथ में एक के सैतालीस और बॉर्डर पे बस उसको पता है कि क्या होगा लेकिन मैं रहूं या ना रहूं मेरा भारत देश रहना चाहिए जैसे फौलादी बच्चे कैसे तैयार होते हैं मतलब थोड़ा मुझे बताइए ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है कैसे बच्चा जो नॉर्मल बच्चा होता है वो कैसे फौलादी तैयार फौलाद जैसे सपोज कोई बंदा सपोज यहाँ पर आया है ना पहली बात तो जैसे अपन वीडियो अपलोड करते हैं ना मैडम वीडियो अपलोड करते हैं और जब बंदा वर्दी में किसी बंदे को देखते ना कि यार मतलब आग पे चमक आ वही मतलब बच्चों का सपना है कि मैं एक ही शादी करूँ लड़कियों के दीवानी नहीं है उन जो फौज की तैयारी करते हैं ना मैडम फौलादी औलाद होती ना वो एक सैंतालीस की दीवानी होती है और इंडियन आर्मी की जब वर्दी तन पर चढ़ती है ना मैडम तो सीना चौड़ा हो जाता है मतलब बहुत अलग ही फील हो जाता है फिर बस वही तैयारी करते हैं बल बनना तो फौजी बनना है और आ, हम लोग भी बोलते हैं कि फौजी देश की धड़कन है आम इंसान के बस की बात नहीं है जब जब माइनस डिग्री टेम्परेचर में इंसान सियाचिन में देखो मैडम जी आप है ना अभी भी मतलब अभी आप तो अपने जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं है ना किस तरह ओलावृष्टि भी हो रही है इसके बाद में बर्फ भी गिर रही है मतलब सब उसके बाद में भी सैतालीस के साथ में चारों तरफ जहाँ पर उसको ड्यूटी दी जहाँ पर उसकी सेवा है वो तैनात है है ना मतलब बारिश हो या ओलावृष्टि हो या बर्फ गिरे कुछ भी हो लेकिन मुझे यहाँ पर एकदम सेवा देना मतलब देना पता नहीं कैसे कर पाते हैं वो लोग मतलब सब अच्छा ये जो बच्चे यहाँ पे आते हैं कितने 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 साल से रहते हैं जैसे मैडम नहीं आ, जैसे कोई बंदा ना आज एडमिशन लिया है किसी के दो महीने बाद में भर्ती होती है किसी की चार महीने बाद में भर्ती होती है किसी के छः महीने बाद में भर्ती होती, होती है कोई बंदा सोलह साल से यहाँ पर आ जाता है कि सर दो साल में मेहनत करूँगा पहली भर्ती में पास हो जाऊँगा तो ये रहता है कोई दो महीने के लिए भी आता है कोई छः महीने के लिए भी आता है कोई दो साल के लिए भी आता है लेकिन सबके लिए फ़ीस एक ही रहती है कोई चार्ज अलग अलग नहीं होता है और वो भी रहता है जैसे कोई बंदा बहुत ज़्यादा गरीब ही है इतना एफर्ट नहीं कर पाता है पाँच हज़ार भी एफर्ट नहीं कर पाता है मतलब कहने का मतलब हम खुद जानते हैं कि पाँच हज़ार रुपये के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है कितनी मेहनत करना पड़ता है वो नहीं होता है तो हम फ्री में ट्रेनिंग करवाते हैं सेकेंड बात हमारा एक लक्ष्य है जैसे आपके पास पाँच हज़ार नहीं है और कभी आप किसी से उधार ले कर या ब्याजों रुपये लेके आते हैं तो हम पेमेंट नहीं लेते उससे पूछ लेते पहले कि पेमेंट कहाँ से है बोले कि सर पापा किसान है या वहाँ से आया या पापा ड्यूटी करते हैं इसमें आया लेकिन बोलते हैं कि यार ये नहीं होना उधार ब्याज हुआ नहीं।, नहीं नहीं बिल्कुल फ्री मैडम क्या मैडम मालिक देता है फिर कोई दिक्कत नहीं हो चीज़ से तो मेरा तो खुद का भी एक सपना था कि मेरे मेरे शरीर पे यूनिफॉर्म हो पर नहीं है कोई बात नहीं आदमी अच्छा काम कर रहे हैं आ, कोई है। तो छोटा मतलब काम नहीं है और एक रिपोर्ट क्लास की थी मैं ना जब एट में पढ़ती थी तब से मैंने सपना देखा था कि यूनिफॉर्म मिलेगा एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेना स्काउट गाइड पता नहीं क्या क्या की नहीं मिला मतलब ये पैर की उंगली टेढ़ी है मेरी उसकी वजह से इन्होंने अनफिट कर दिया ये ये जो टेढ़ी उंगली है आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप बात बताती हूँ पता नहीं इसको वीडियो में रखा जाएगा कि एडिटर कार्ड देंगे जब हम अंदर आए ना तो सर जब हमें पहचान लिए मतलब इतनी खुशी हुई कि मतलब क्या बताया तो पहचान गया जस्ट आपको नाम भी आपका चैनल का नाम बताया है मैंने भारत देखने से बहुत बहुत धन्यवाद नई नैडम आप सर आपको इतना टाइम मिल जाता है इतने इतने बच्चों को हैंडल करने के बाद भी कि आप हम जैसे लोगों को समय मैडम समय सबके पास रहता है और जो बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है मतलब समझ जाओ वो सामने वाला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है आज हम दो दो चैनल चला रहे हैं इतने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बावजूद हमारे पास समय है हर इंसान से मिलने का समय है लेकिन जो बोलता ना कि यार समय नहीं है मतलब समझ जाओ कि वो आपको भाव नहीं दे रहा कुल मिला के कोई बोलता कि यार भैया मुझे पचास हजार की या दस हजार की जरूरत है मेरे पास पैसे हैं सपोज मुझे बोला किसी ने और मैंने ये बोल दिया कि यार कोशिश करूंगा मैं मतलब समझ जाओ मेरा देने का मन नहीं है कोशिश करने वाले कभी देते नहीं ध्यान रखने के बाद बोले ठीक है जितेन कब आना रहा बोले मैं दो मिनट में दे रहा हूँ तेरे को ये काम होता है और कोई बोलते कोशिश तो समझ जाओ वो बंदा आपसे खुश नहीं और ऊपर देगा भी नहीं आपको सर आपका बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच मैम थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं फैक्ट नहीं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए और पहली बात तो आप लड़की हो समझ लो आपको क्योंकि हमारे परिवार में भी और हम भी मतलब आ, नारी को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं मैडम जी तो है ना देते देते क्योंकि आपने आते ही मुझे कहा ना कि लड़कियों की कोई फीस नहीं है तभी तभी पता है ये क्या है ये जो सर कर रहे हैं असल में ये है नारी सशक्तिकरण लड़कियां तभी आगे बढ़ेंगी जब उनको मजबूत किया जाएगा उनको हाँ हर, हर फील्ड में लड़कियां जब आगे निकलने लगेंगी तब वो सही में रिजर्वेशन से कुछ नहीं होने वाला वह वह है वह असली रिजर्वेशन ये है कि लड़कियां अपने पैर पे खड़ी हो कमाए और समाज से टक्कर ले आगे बढ़े जब आर्मी बन के समाज में आप, आगे आप भी तो मैम नारी होकर मतलब इतना बड़ा काम कर रही हो हर चीज मतलब क्लियर तरीके से बता रही हो लोगों को है ना और लोगों को बता रहे कि आज वहाँ पर ये है आज वहाँ पर ये आज यहाँ पर ये हुआ मतलब तो क्लियर तरीके से कोई डिजाइन नहीं मैडम मैं वीडियो देखता हूँ आपका और कोई मैंने पहली बात ये जैसे मैं आज रोजी रोटी बैठा हूँ कोई हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है एक बात यह भी जानते ऐसे मुस्कुराते हुए चैनल का नाम सर हुआ क्या कॉन्टेक्ट नहीं तो ये मत सोचना कि कोई ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो तो बोले कि इनने तो इनको बुलाया हुआ फोन से बुलाया गया आपको? एक जरूर बोलना नहीं, 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 नहीं आप क्या बात कर रहे हैं आ, तो ये रहता हैं। मैं बता रही हूँ की जब मैं ऐसे एंट्री ली और सर मुझे पहचान गए ना तब मुझे लगा की मतलब हमने इतना तो कमा ही लिया है की लोग हमें पहचान नहीं, नहीं आप बहुत आगे जाएंगे और बस इसी तरह आप अच्छा कदम रखो को उम्मीद नहीं थी क्या ने, ने, नहीं। नहीं। क्योंकि सोचिए फैक्ट्री है यहाँ पर फौलाद तैयार किया जाता रहे? नीडर है, आप। नीडर कौन होता है एक जो आप इंटरव्यू ले रहे ना, जी? और आप हर जंग में खड़े होकर जाते हो कि आज यहाँ पर ये और आप जैसे आप भी खड़ी रहती है जैसे बाढ़ भी आ रही है आपके यहाँ तो बिहार में कोसी नदी है ना तो वहाँ पर भी आप खड़े हो जाते हो मतलब कोई ठिकाना थोड़ी कब क्या से कवरेज की देखो ना आप फौलाद और क्या हो आप बहुत बहुत धन्यवाद फौलाद आपको ये बातचीत कैसी लगी है ये हमें जरूर वीडियो में आप, देख सकते हैं। आप भारत की सेवा करना चाहते हैं माँ भारती का बेटा बनना चाहते हैं तो आर्थिक रूप से अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं, बिल्कुल फ्री में करवाएंगे कोई चार्ज नहीं लेंगे एकदम फ्री लेकिन अगर आपके अंदर वो जज्बा है वो जुनून है तो आप फौजी फैक्ट्री में आ सकते हैं आपका स्वागत है यहाँ पर हर बच्चे के अंदर फौलाद भरी जाती है मतलब समझिए कि आप कैसे भी हों बस आप यहाँ पर आइए आपके आपको एकदम जवान तैयार करके भी बिल्कुल सपने को साकार जरूर करवाएंगे लेकिन बस जुनून कायम रखना निरंतर प्रयास करना और जब भी आप काम कर रहे हैं तो अपने माता पिता तरफ देखना कि यार मेरे माता पिता की कितनी उम्र हो गई है और आज मैं उनके लिए एक सितारा बनना चाहता हूँ और कभी सोच लिया माता पिता के बारे में तो मैं लिख के दे रहा हूँ आप जरूर सफल होंगे क्या बात है मतलब गरीबी आपकी ताकत बन सकती है अगर आपने अगर आपने ये समझा कि आपका पिता कितनी मुश्किल के बाद आपको पढ़ाया है हाँ, ये अगर आप समझ रहे हैं अगर आप ये समझ रहे हैं कि पिता दोपहर हो शाम हो सुबह हो, हो सर्द हो हर, तो हर तो तो परिस्थितियों में वो सही बिल्कुल हर परिस्थितियों में हर परिस्थितियों में आपके माता पिता मेहनत करते हैं जैसे कभी सूखा होता है कभी गीला होता है कभी बारिश होती है कभी ठंड होती है और कभी बहुत ज्यादा धूप होती है उसके बावजूद भी आपके माता पिता इतनी मेहनत करते केवल आप लोगों के लिए कि यार मैं अपने अपने बेटे को आज मेरा बेटा इतनी दूर गया तो उनको रुपये पहुँचा पाऊँ केवल आपके लिए कर रहे हैं आपके माता पिता तो क्या आप अपने माता पिता के लिए इतना नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू हाथ जोड़कर आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत कुछ करा बस मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा बारी आपकी और आपके माता पिता को आप एक गिफ्ट कर दो इंडियन आर्मी की वर्दी क्या बात है उससे बड़ा कोई सपना ही नहीं है सपना ही नहीं है जब दीदी क्या है कि जब बेटा सक्सेस होता है ना बहुत सारे अपने बच्चे हैं जब इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करके आते हैं ना और जब मम्मी पापा बाहर निकलते हैं और जब फौजी आता है ना तो जब सर का ताज होता है ना जब इंडियन आर्मी की जो टोपी पहना देता है ना तो माता पिता को इतना गर्व होता है कि यार ऐसा शेर सब के यहाँ जन्मे मतलब बहुत बड़ी बात है वही वही गिफ्ट होता है माता पिता को थोड़ी चाहिए माता पिता को धन दौलत नहीं चाहिए माता पिता को केवल चाहिए अपने बेटे की उपलब्धि सफलता चाहिए आप भी जानते हो कि कोई अब जैसे मैं हूँ दीदी मैं हूँ अब मेरा कोई एक बेटा है अब कोई मेरे बेटे को एक करोड़ रुपए में मांग रहा है कि एक करोड़ रुपए दूंगा तो तेरे बेटों को दे दू क्या दे देंगे क्या नहीं नहीं देंगे ना तो बस माता पिता का एक लक्ष्य बेटे की उपलब्धि बस कुछ नहीं चाहिए धन दौलत नहीं चाहिए किसी बाप को जब आप एक बित्ते के पैदा होते हैं तब से आपकी माँ आपको पाल पोस के बड़ा करती है और बड़े होने के बाद आप भूल जाए तो ये ये तो बहुत गलत बात है अरे माता को कभी आपको आप माता के माता के अंदर कभी झांकना देखना देखना चाहते हो तो कुछ मत करो जैसे एक, एक एक एक, किलो की ईट अपने पेट पे बांध कर के रखो केवल एक महीना और आपके माँ की एम पता चल जाए कि यार किस तरह आपको पालन पोषण करा केवल एक किलो ईट करना बच्चा तो तीन किलो का भी होता है ढाई किलो का भी होता है और मैं बोलना चाहूंगा कभी आपके माता पिता के बारे में आपको सोचना है माता पिता के अंदर झाँकना तो केवल एक किलो की ईट अपने पेट पर पे बांध लो और दिन भर चलो जो करना सो के सो ही जाओ तुम तो कुछ मत करो आपकी एम पता चल जाएगी यार माँ क्या होती है आखिर और इसीलिए दीदी माता को बोलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा सही बात है तो हम अभी भारत के फौजी फैक्ट्री में है मैं ये बोलूं कि सबसे बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पर फौजी तैयार किए जाते हैं उस फैक्ट्री से हम अभी सर से मिल रहे थे